So, hey, so, hey, so, ले और काम का भी प्रेशर बहुत ज्यादा रहता का है जैसे वीडियो बनाओ एडिट करो पढ़ाई करो जिम जाओ ये करो वो करो तो टाइम ही नहीं मिलता पर मैं फिर भी अपने रूटीन में से टाइम निकाल के बहुत ही मेहनत से खुद के लिए कुछ करती हूँ तो उसी के ऊपर आज का वीडियो है कि कैसे मैं अपने सेल्फ केयर करती हूँ वीकली सेल्फ केयर जो करती हूँ इसका और एक पार्ट मतलब मैं बना सकती थी क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने इसमें नहीं दिखाया है क्योंकि अगर मैं पूरा करूंगी ना कैमरा तो बहुत बड़ा एक वीडियो बन जाएगा क्योंकि फिर मैं वीक में एक या दो दिन ही कर पाती हूँ अपना सेल्फ केयर डेट्साई मेरा थोड़ा सा रूटीन ना लंबा बनता है तो इसी वजह से पूरा कवर करना एक दिन में पॉसिबल नहीं है तो मैंने आधा ही एक वीडियो बनाया है तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा तो नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊंगी जिसमें मैं नेचुरल वे पे होम मेड जो जो तो चीजें यूज करती हूँ अपने फेस के लिए अपने स्किन के लिए तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तब भी वो वीडियो आएगा

स्किन को काफी ज्यादा क्लियर बना देता है फ्रेश फ्रेश फील आता है अंदर से तो मैं यही स्क्रब इसीलिए यूज करती हूँ और हमेशा मैं ऐसे सर्कुलर मोशन पे स्क्रब करती हूँ स्क्रब करने के बाद ठंडे पानी से मुंह को धो लेती हूँ और फैम स्टेट क्योंकि प्लम बॉडी लविंग का जो ये अमेजिंग एंड प्यारा प्यारा प्रोडक्ट है ना इसको मैंने यूज किया और मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ रिव्यू वीडियो शेयर करने के लिए वीडियो को तक देखना स्क्रीन पे दिए हुए कूपन कोड यूज करने से मिल जाएगा हर प्रोडक्ट पे फिफ्टीन परसेंट ऑफ तो अभी अप्लाई करूंगी वीएससी का ये चारकोल पी लॉप मास्क इसको लगाने में बहुत ही आंखों में स्किन में जलन होता है पर हाँ थोड़ी देर बाद जलन कम हो जाता है तो अगर नहीं हो रहा है तो तुरंत फेस को वॉश कर देना तो पील ऑफ मास्क लगाने से ना ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स कहीं हद तक कम हो जाता है स्किन में जो छोटे छोटे बाल आता है जो रेजर से नहीं होता ना वो चला जाता है तो बस इसी वजह से मैं इतनी मेहनत के बावजूद भी इसको लगाती हूँ तो अभी पील ऑफ मास्क को सूखने देते हैं और अन्य मुन्ने पैरों के पास वापस जाते इन लोगों को थोड़ी अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेते हैं इन लोगों का तो ये ब्रश जो है ना ये मैंने बहुत दिनों पहले खरीदा था काफी हेल्पफुल है तो आप लोगों के दिमाग में तो ये चीज आएगा कि शैम्पू क्यों तो मैं बहुत पहले से यह कर रही हूँ जब मेरी ग्रैंड जिंदा थी तब से तो वो शैम्पू से कराती थी क्योंकि तब इतना बॉडी वॉश वॉडी वाश चलता नहीं था तो अगर आप लोग चाहो तो बॉडी वॉश से कर सकते हो नमक किस लिए नमक ना बहुत अच्छा होता है पैरों का दर्द कम करने के लिए नमक से स्मेल चला जाता है ये क्रैक हिस्स रिपेयर करता है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होता है और शैम्पू से तो समझ आ ही गया होगा कि डर्ट जितना है वो निकल जाता है गर्म पानी का भी सेम है और गर्म पानी से पैरों में बहुत आराम भी मिलता है सर्दियों में कभी ट्राई करके देखना बहुत अच्छा नींद आता है पर हाँ पैर जब बाहर निकाल उस टाइम मुझे याद मत करना तो मैं पैरों का हेयर रिमूव करने के लिए वेनस का ये वाला रेजर रेजर यूज़ कर रही हूं। तो ये रेजर काफ़ी अच्छा लगता है है मुझे क्योंकि बाकी जो रेजर्स ना वो एक ही बार यूज करने से मतलब खराब हो जाता है इसको मैं आराम से दो बार यूज कर लेती हूँ तो ये मेरे लिए काफी हेल्पफुल है तो मैं ना हर बार हेयर रिमूव के बाद एलोवेरा जेल लगाती हूँ क्योंकि मॉइस्चराइजर लगाने से मेरे स्किन में जलन होता है अभी मैं करूँगी हाथों का हेयर रिमूव इसके लिए ना मैं वेट टिश्यू में हमेशा थोड़ा सा फेस वॉश ले लेती हूँ फिर उसको अच्छी तरीके से हाथों मैं अप्लाई कर लेती हूँ इससे क्या होता है ना फोम भी नहीं बनता और आप के घर पे कर तो में जाके रहने की ज़रूरत नहीं होती तो मेरे लिए ना काफी है तो कॉमेंट में जरूर बताइए तब तक अंडर आर्म्स को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ मैं मैं अंडर आर्म का जब हेयर रिमूव करती हूँ मैं अलग अलग डायरेक्शन से ऐसे ऐसे करती हूँ इससे क्या होता है ना पूरा अंडर आर्म अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है मुझे मैंने नोटिस किया है अगर रेजर से करोगे ना छोटे छोटे बाल रह जाता है तो इस ट्रिक से ना थोड़े से भी बाल नहीं रहते हो गया। अभी मैं लगा लूंगी जल जल मेरी में जलन ना हो नहीं तो बहुत ज्यादा जलन होता है आप लोगों का भी होता है ना तो देखो पीला मास्क हमारा सूख चुका है इसको उतारते उतारते नानी दादी सब याद आ जाएंगे मुझे पर जितना पेनफुल है उतना हेल्पफुल भी है तो है ना इसीलिए पड़ता है क्योंकि ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स छोटे छोटे बाल इससे आराम से आ जाते मतलब जाते जाते हैं मतलब उतर उखड़ जो भी है तो ये मेरे लिए काफी अच्छा है तो फेस में काफी अत्याचार हो गया इसलिए थोड़ा सा फेस वॉश कर लूंगी ताकि फेस को थोड़ा सा ठंडक मिला बिल्कुल ठंडे पानी से वॉश कर लूंगी फिर हम लोग फेस को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं और अपना नेल पेंट जो है घिसा पीटा उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ये काफी कूल एक नेल पेंट रिमूवर है देखो इसके अंदर बस नाखून घुसाना पड़ता है गोल गोल घुमाना पड़ता है निकाल देना पड़ता है बस हो जाता है बड़ा कूल है ना तो अभी छोटे छोटे हाथों को क्लीन करने के बारी है उसके लिए कंटेनर में थोड़ा सा पानी और फेस वॉश ले लिया मैंने वो काफी है चाहो तो नमक भी डाल सकते हो मैंने हाथों के लिए नमक नहीं डाला आप लोग चाहो तो डाल सकते हैं पर, पर ज्यादा डालना अच्छी बात नहीं है स्किन के लिए तो उसके बाद नेल कटर से अच्छी तरीके से नाखूनों को साफ कर लिया नाखून है ही नहीं क्योंकि मम्मी रखने नहीं देती और रेजर से देख सकते हो यहाँ पे जो छोटे छोटे बाल निकलते ना अच्छा नहीं लगता उसको भी साफ कर लिया

और मुझे साफ कर लेती हूँ और उसके बाद मुझे फेस पे लगाना होता है बर्फ नहीं तो ना फेस बिल्कुल लाल हो जाता है जलने लगता है कोई भी अगर प्रोडक्ट यूज करूँ तो तो इसीलिए अच्छी तरीके से बर्फ को ऐसे वेट टिश्यू में डाल के मैंने लगा लिया फेस पे फिर बालों को अच्छी तरीके से कोम करके एक मेसी सा बन बना के मैं जाऊंगी नहाने तो नहाने के लिए मैंने शैम्पू ले लिया एक बर्तन में उसमें मैंने पानी मिक्स कर लिया फिर बालों को अच्छी तरीके से मैंने धो लिया अभी शैम्पू जो मेरा भीगा भीगा शैम्पू है उसको थोड़ा सा मैंने ऐसे स्कैल्प पे लगा लिया तो थोड़ा सा ही लगाना है फिर क्या करना है ना उसको स्कैल्प में से लगा के अच्छी तरीके से मसाज करके उसको धो देना है फिर से हम लोग करेंगे शैम्पू दो बारी शैम्पू करने से क्या होता है ना स्कैल्प पे जितना भी डर्ट है सब कुछ अच्छी तरीके से चला जाता है बाल बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है तो ये काफ़ी अच्छा है वीक में ना ऐसे शैम्पू एक बार तो करना ही चाहिए अगर डेली ना भी कर पाओ तो क्योंकि मैं तो ऑलमोस्ट डेली मतलब डेली करती हूँ ऑयल लगाओ तो भी मैं शैम्पू कर लेती हूँ तो देखो फिर मैं ये बहुत एक कूल प्रोडक्ट खरीदा है इससे ना स्कैल्प मसाज कर सकती हूँ इससे मतलब बिल्कुल डर्ट फर्द बिल्कुल चला जाएगा और सर पर काफ़ी आराम भी होता है और शैम्पू बिल्कुल परफेक्ट वे पे होता है तो काफी अच्छा एक प्रोडक्ट है ये आप लोगों को मिल जाएगा कोई भी लाइक ऑनलाइन शॉप तो इसके बाद मैं लगा रही मेरा सीक्रेट में <laughs> कोई बात नहीं मेरा कंडीशनर लगा रही मैं तो कंडीशनर कैसे लगाना होता है इसके ऊपर तो तो वीडियो है अगर आप आप लोगों लोगों ने नहीं देखा तो वो भी आप को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना और हमेशा कंडीशनर ऐसे उंगलियों से कोम करते करते लगाना चाहिए इससे बाल उलझते नहीं है और बालों को ऐसे मिनिमम पंद्रह मिनट के लिए छोड़ दे फिर मैं यूज करूंगी मीनियस गोइंग बनाना बॉडी स्क्रब ये बहुत ज्यादा प्यारा दिखा में है और उतना ही ज्यादा प्यारा इस्तेमाल करने में भी है और ये हंड्रेड परसेंट वेगन है और इसमें कोई भी क्रुएल्टी नहीं है और ये बहुत अच्छी तरीके से स्किन को क्लीन करता है पॉलिश करता है और बहुत ज्यादा स्मूथ बना देता है स्किन को और पता है फैम ये बहुत ही जेंटली डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है और इसमें बनाना एक्सट्रैक्ट एंड ओट ऑयल जो आपकी स्किन को पेम्पर करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और ऊपर से ये मे इंडियन वाला है तो मेरा तो फेवरेट बन चुका है ये कप का फिर यूज करूंगी प्लम बॉडी लविंग का Going body wash. और जो कि सल्फेट फ्री है सोफ फ्री और बहुत ही जेंटली क्लीन करता है बॉडी को तो इसको आप लोग अंडर आर्म पे भी यूज कर सकते हो क्योंकि तो अंडर आर्म भी काफी नाजुक पोर्शन होता है तो इसको भी फेस की तरह ट्रीट करना चाहिए और प्लम का इस बॉडी वॉश में है ऑलिव ऑल एंड बनाना एक्सट्रैक्ट जो आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड प्लम्पी बना देता है और ये बिल्कुल ड्राई नहीं बनाता बल्कि बॉडी को बिल्कुल नरिश कर देता है और फेम सारे प्रोडक्ट्स हंड्रेड वेगन एंड फ्री है तो मैंने बॉडी को तो अच्छी तरीके से वेम्पर कर लिया अभी उंगलियों के हेल्प से कोम करते करते बालों में जो कंडीशनर लगा था, उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेते हैं सुफेम देख सकते हो मैं बालों से पानी कैसे निकालती हूँ ऐसे टावर से प्रेस करते करते तो ये मेरा वे है आप लोग कौन से वे से बाल साफ करते हो मतलब पानी निकालते हो वो भी कमेंट पे जरूर बताना बालों को टावल ड्राई कर लिया अभी ऐसे छोड़ रही हूँ फिर मैं अप्लाई करूंगी अपने स्किन पे मिनियंस गोइंग बनानस बॉडी योगर्ट ये बॉडी योगर्ट बिल्कुल जेल क्रीम जैसा है और ये बहुत ही जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट है और इसका लाइट वेट कूलिंग एंड हाइड्रेटिंग टेक्स्र और ये स्किन को 10 सेकंड के अंदर हाइड्रेटेड कर देता है और ये एलो वेगन एंड क्रुएल्टी फ्री है और पियर के साथ मुझे ये EDPs भी रिसीव ईजी है कैरी करना फिर मैं उसके बाद फेस पे अप्लाई करूंगी रेविटा लिफ्ट ये ना फेस को बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेटेड रखता है जो कि बहुत जरूरी है फेस के लिए और मेरे लिए तो बिल्कुल जरूरी है तो इसको ना थोड़ा सा लेके फिर हाथों से इसे पैक पैट 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 कर लेना होता है और अगर चाहो तो आप लोग थोड़ा सा हल्के हाथों से ऐसे मसाज भी कर सकते हो तो मैं कर लेती हूँ नहीं तो मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता पर जबकि ये पैट पैट ऐसे करके लगाना काफ़ी होता है पर मैं थोड़ा सा ना हल्के हाथों से मसाज कर लेती हूँ इसके बाद मैं सीराम अप्लाई करती हूँ फेस में मेरा ना फेम मेन इंटेंशन होता है अपनी फेस को ना हाइड्रेटेड रखना और मॉइस्चराइज रखना इसी वजह से मैं सीरम यूज़ करती हूँ क्योंकि सीराम काफ़ी अच्छी तरीके से आपको पता है मॉइस्चराइज करता है सीरम तो मैं मेकअप के पहले भी लगाती हूँ और जब मेकअप

ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯೂಸ್ತು क्योंकि मैं राजा महाराजा के घर पे तो रहती नहीं हूँ कि वहाँ पे धूप नहीं आए तो घर पे तो खिड़कियों से बैलकनी से हर जगह से धूप तो आता रहता है ना तो मुझे लगता है घर पे भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए अगर आप लोग नहीं लगाते हो तो डेफिनेटली ट्राई करो और आप लोगों में से जो जो कुकिंग में शौक रखते हैं मतलब डेली लाइफ में कुकिंग करते हो या फिर कभी कभी कुकिंग करते हो तो तब कुकिंग करने से पहले ज़रूर सनस्क्रीन लगा लिया करो क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी हद तक वो प्रोटेक्ट करता है स्किन को तो मुझे लगता है नहाने के बाद हर किसी को लगाना चाहिए सनस्क्रीन सनस्क्रीन रात में नहीं लगाना है बस दिन में जब भी नहा के आओ तो सनस्क्रीन लगाया करो डे क्रीम मैं यूजुअली डेली लगाती नहीं हूँ क्योंकि सनस्क्रीन लगाने के बाद डे क्रीम मैं लगाती नहीं हूँ तो कभी कभी लगाती हूँ तो इसीलिए मैंने इसको दिखा दिया क्योंकि कभी कभी जो लगाती हूँ वो भी दिखाना चाहिए ना और उसके बाद मैं लिप बम या फिर लिप टिंट यूज़ करती हूँ लिप टिंट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हूँ ये और वैसलिन ना मैंने बहुत मतलब दो तीन सालों से यूज़ करना स्टार्ट किया था आईब्रोज में एंड आई में तो ये काफ़ी काफ़ी अच्छा वर्क करता है एक्चुअली मतलब अगर आपका आईब्रो थोड़ा सा थिन है तो ये अप्लाई कर सकते हो क्योंकि मेरा ना काफ़ी ज़्यादा थिन था पहले अभी काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है तो मुझे लगता है कि सबको ये हैक ट्रिक जो भी बोलो यूज़ करना चाहिए आईलैश के लिए एंड आईब्रोज़ के लिए काफ़ी अच्छा है तो मैं इसको ना दो बार ही यूज़ करती हूँ एक बार नहाने के बाद यूज़ करती हूँ और कभी कभी रात में यूज़ करती हूँ और कभी होता है तो कि दोपहर का मिस हो जाता है मुझे ज़्यादातर क्योंकि ना मुझे टाइम नहीं मिलता तो रात में मैं हमेशा लगाती हूँ तो आईलैश कर्लर यूज़ करना इतना मैंडेटरी है नहीं तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ अच्छा दिखे तो ये भी ध्यान रखना होता है ना तो इसीलिए यूज़ कर रही हूँ यूज तो मैं हाथों से ऐसे नॉर्मली लगा देती हूँ आईब्रो ब्रश भी इतना यूज़ नहीं करती हूँ पर एक चीज़ बोलूंगी कि हाँ आईब्रो ब्रश से अगर लगाओगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से लगता है हाथों से अगर लगाओगे ना तो आंखों में भी लग सकता है तो इससे ना काफ़ी अच्छी तरीके से स्मूथली चीज़ें हो जाता है तो मुझे लगता है आईब्रो ब्रश डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए जबकि आईलैश कर्लर ना बिल्कुल ऑप्शनल है तो इसके बाद मैं अप्लाई अपने बालों में हेयर सीरम हेयर सीरम ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप होता है हेयर के लिए क्योंकि अगर आप लोग ड्राई यूज कर रहे हो तो हेयर सीरम डेफिनेटली यूज करना चाहिए बालों में काफी लोग यूज करते हैं काफी लोग नहीं करते तो मैं तो करती हूँ पर डेली बेसिस पे अगर बोलोगे तो नहीं करती पर मैं ना वीक में ऐसे तीन चार बार करती हूँ पर मैं डेली बेसिस पर शैम्पू करती हूँ इतना मैं बोल सकती हूँ आपको तो हेयर ड्रायर का जो है ना मैं यहाँ पे जो देख सकती हूँ बर्फ वाला सिंबॉल है मतलब जिसमें से ठंडा ठंडा हवा निकलता है वो ही यूज़ करती हूँ क्योंकि गर्मियों में अगर मैं ब्लोअर चला दूँ भैया भैया ना ही मेरे बाल रहेंगे ना ही मैं रहूँगी मतलब अलग ही लेवल का गर्मी हो रहा है तो इसी वजह से मैं ये जो ठंडा हवा निकलता है इससे ना थोड़ा सा जो पानी गिरता रहता है उसको मैं सुखा लेती हूँ इससे बाल भी काफी हद तक सूख जाते हैं तो ये है मेरा नेल पेंट का घर इसमें से अभी चूज करना है एक नेल पेंट मैं हमेशा मैट नेल पेंट चूज़ करती हूँ क्योंकि उससे हाथ अच्छा लगता है हाथ अच्छा लगता है क्या बोलती रहती हूँ मैं पहले ना ये वाला ट्रिक आप लोग नोट कर लो कि वैस्लिन को ऐसे नाखून के चारों तरफ ऐसे लगा लो तो इससे क्या होता है ना जब आप नेल पेंट नाखून में लगा रहे हो ना वो अगर स्किन में लग जाए ना तो उसको इजीली आप लोग ऐसे रिमूव कर सकते हो मतलब वो इजीली उड़ जाएगा उसके लिए आपको रिमूवर यूज करने की जरूरत नहीं होगी तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रिक मैंने सिखाया इसी बात पर वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और तब तक बताओ फैम कॉमेंट में नेल पेंट का कलर कैसा पिस्ता कलर प्यारा है ना बहुत ज्यादा और फैम वीडियो में अभी ट्विस्ट है और एक ट्रिक मैं सिखा आऊंगी देखो एक बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लिया मैं उसमें मैं गीला नेल पेंट वाले हाथ को ऐसे डालूंगी और चुटकियों में वो सूख जाएगा फैम ये ट्रिक बहुत अच्छा है और बहुत काम करता है इसको जरूर ट्राई करना अगर आपको कहीं जल्दबाजी में जाना है तो और मेरे साथ रिजल्ट जरूर शेयर करना फैम तो मिलती हूं बहुत जल्द न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए सब सेफ रहना आई लव यू ऑल टाटा बाय